अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीब तक के सफ़र में एशियन ट्रेड ट्रिवी के साथ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन ट्रेड ट्रिवी का मकसद पाकिस्तान की ट्रेड इंडस्ट्री को इंटरनेशनली प्रमोट करना है और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को इंटरनेशनली प्रमोट करना है। इस सिलसिले में हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट लोगों से, अपने स्टार से जिनकी सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं, उनके साथ मिलते रहते हैं और हम उनकी जो स्टोरीज़ होती है, जो उनकी स्ट्रगल होती है, वो आप तक पहुंचाते हैं। इस सिलसिले में आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री के सीईओ के साथ। जी हाँ, मैं मौजूद हूं इस वक्त नेटसॉल टेक्नोलॉजीज़ के हेड ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर अयूब गोरी साहब। हम जानते हैं उनकी जर्नी के नेटसॉल कैसे स्टार्ट हुआ और उसके बाद काफ़ी उनके स्टार्टअप है, हॉस्पिटल और इंस्पायर और डिफरेंट, वो क्या सोचते हैं और उन्होंने क्या किया, पूरी फैमिली की जो इसमें इनोवेशन है, जो स्ट्रगल है। अल्हम्दुलिल्लाह, नेटसॉल इंडस्ट्री आज पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नुमाया मुकाम रखती है और जो अपनी सर्विसेज वो इंटरनेशनली दे रही है, वो क्या सर्विसेज हैं हम मिस्टर गोरी से जानते हैं। तो चलते हैं मिस्टर गोरी की तरफ। जी हाँ, मिलते हैं जनाब अयूब गोरी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू माय शो। थैंक यू शाहिद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ लेके आए। एंड रियली आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू ओवर हियर। थैंक यू सर, ये हमारे एजाज की बात है कि अब एशियन ट्रेड टीवी के हवाले से मैं आपसे आज बात करूंगा। मेरा ये बहुत बड़ा ड्रीम ही था क्योंकि नेटसॉल की जब बात करते हैं ना सर हम, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन स्टोरी है नेटसॉल अदारे की, और आप उनमें से डायरेक्टर्स में से एक है। आप और आपकी पूरी फैमिली ने ना सिर्फ जो इस अदारे को दिया, पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान का काम है आपको कुछ देना, बल्कि दिया है पाकिस्तान ने भी। तो सर थोड़ा सा बताइए, चूँकि हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है ख्वाबों से ताबीर तक, तो वो क्या ख्वाब थे आपके या आपकी फैमिली के जो आप सोचते थे, और क्या वो ख्वाबों की ताबीर हो गई है कि नहीं, कि अभी सफ़र की तरफ गामजन है? अच्छा, लाइफ इज अ जर्नी। बेसिकली लाइफ इज अ जर्नी। एंड मैं दो मुख्तलिफ, आपने एक ही सवाल में कई ज़्यादा सवाल कर लिए हैं, तो मैं पहले थोड़ा सा नेटसॉल का तारुफ करा दूँ फिर अपनी तरफ आता हूँ। नेटसॉल टेक्नोलॉजीज कयाम में आया है 95-96 में। मेरे बड़े भाई सलीम गौरी, जो कि आईटी कंसल्टेंट, यू नो तकरीबन इससे पहले 15-1 साल वो कंसल्टेंसी सऊदी अरब में, ऑस्ट्रेलिया में कर चुके थे, तो उन्होंने उनकी सोच बड़ी गहरी थी। उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान वर्ल्ड आईटी मैप में कहीं भी नहीं है, तो उन्हें ये चीज़ बड़ा पेन करती थी। तो उन्होंने एक दिन आया, उन्होंने सब छोड़ छाड़ के उन्होंने कहा पाकिस्तान जाते हैं, बहुत कामयाब थे वो, पाकिस्तान जाएंगे और यहाँ पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे और आईटी के लिए कुछ करेंगे। तो उस वक्त माशाल्लाह, आई कम फ्रॉम अ बिग फैमिली एंड वी आर सेवन ब्रदर्स, तो मेरे एक भाई, बड़े भाई श्याम गौरी जो है सबसे बड़े भाई हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया और सलीम गौरी साहब ने आगाज किया। और शुरू में कोई डायरेक्शन नहीं थी किस तरफ जाएंगे, सिर्फ आईटी सर्विसेज का सोचा था, लेकिन फिर और भाई चूंकि ग्लोबली आईटी में बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत ही नई गौरी मेरे भाई हैं, ही वॉज डूइंग वेरी वेल फास्ट फार ईस्ट में, उनके थ्रू कुछ इंट्रोडक्शन मिले और कुछ काम आना शुरू हुआ नेटसॉल से। और भाई मेरे नजीब गौरी हैं जो अमेरिका में होते हैं, वो कॉरपोरेट साइड से आए, तो आहिस्ता आहिस्ता फैमिली ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और कहते हैं इत्तेफाक में बरकत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कामयाबी का राज हमारे वालदैन की दुआएं हैं। हमारे वालिद साहब अभी भी अल्लाह ताला ने लंबी जिंदगी दे, आमीन, वो लीड करते हैं हमें आज भी, माशाल्लाह 90+
की एज है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा एक तकवीत का बायस है। वालदा हमने बहुत जल्दी लूज़ कर दी थी, लेकिन उस लूज़ करने की वजह से हमारे भाइयों में बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और हम इस तरह से जहाँ पे हर शख्स ने, हर भाई ने अपनी स्पेशलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रीब्यूट किया। मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा रहता था, तो मेरा जो किरदार है वो यंग एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करना है। हमारा इंक्यूबेटर है इंस्पायर, उसमें डेवलप करना है। 6 महीने का 5 महीने का प्रोग्राम है जिसमें हम 5 से 6 कंपनीज को डेवलप करते हैं, फिर दे आर रेडी टू डू बिजनेस। ये नेटसोल का कॉन्ट्रीब्यूशन है। नेटसोल जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टर है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है, उसका गिविंग बैक टू द कंट्री, टू द इकोनॉमी है, और यूथ के लिए एक बहुत बड़ा एक तोहफा है कि हम उन्हें डेवलप करते हैं। और यही रहते हुए मैंने अपने हॉस्पिटल, जो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको भी वहाँ डेवलप किया। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं मेरी अर्लियर लाइफ में, तो एंटरप्रेन्योर का मुझे शुरू से ही शौक था। यहाँ तक कि आप एक इमेजिन कर लें, लाहौर में जिस ज़माने में सिर्फ एक टेलीविज़न होता था और टेलीफोन भी वो डायल वाला होता था और कोई तफरी नहीं होती थी, उस ज़माने में एक छोटा सा बच्चा गुलबर्ग के इलाके में 10 साल का बच्चा, उसने कहा मुझे कुछ बिजनेस करना है, क्योंकि मेरे वालिद साहब बड़े अच्छे बिजनेस मैन हैं, तो मुझे उनकी तरह बनना है। वो बच्चा बुक रेंटल का बिजनेस, लाइब्रेरी का बिजनेस शुरू करता है और वहीं से उसकी सोच का आगाज हो जाता है कि मैंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है, कुछ करना है। तो खैर उसी से चलते हुए इब्तदाई तालीम लाहौर में हुई, फिर उसके बाद इंग्लैंड और फिर कैलिफोर्निया गए, और कैलिफोर्निया में जो बिजनेस डिग्री थी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की वो की, और फिर इंग्लैंड में कुछ अरसा रहा। इंग्लैंड में मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में भी था, मार्केटिंग में भी था, प्रोमोटिंग हॉस्पिटल ग्रुप्स उसी ज़माने में मैं था, फैशन में काफ़ी हम एक्टिव रहे, फैशन बिजनेस में लंदन में हमने एक बड़ा एक मजबूत नाम बनाया, और ऐसी मार्केट जो इंडियन टॉप इंडियन डिज़ाइनर से भरपूर थी, जो पाकिस्तानी डिज़ाइनर, वहाँ पर अपना हमने नाम बनाया। वेम्बे में भी हमारे शुरू थे और साउथ हॉल में भी थे, उसके अलावा हम होल सेल भी करते थे, तो बड़ा अच्छा ये कामयाब रहे। जब नेटसोल एग्जिस्टेंस में आया, उन्होंने कहा यार अब हमें ज्वाइन करें, तो नेटसोल को ज्वाइन किया। मीडिया से बड़ा मेरी गहरी वाबस्तगी रही है, क्रिएटिव रहा हूँ मैं मीडिया में, नेटवर्क इंग्लैंड में नेटवर्क था, रेमिनेसेंट ग्रुप था, और पाकिस्तान में बिजनेस प्लस है, उससे वाबस्ता रहा। कैमरे के सामने भी काम किया, प्रोड्यूस भी किया, सोशल कॉजेज़ को प्रोड्यूस किया। मुन्नू भाई का लिखा हुआ एक ड्रामा था, पागल एकट बेवकूफ, जो मैं समझता हूँ कि एक प्लाइट थी बुज़ुर्गों की, जो हमारे सीनियर्स हैं हम उन्हें रद्द कर देते हैं, जहाँ भी वो एक ख़ास उम्र के हिस्से से गुजरे, रिटायर हुए, हमने उनको रद्द कर दिया, एक बेमानी बना के एक साइड में बिठा दिया। तो मुझे लगता था कि उनका एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा, उनकी जो वैल्यूज़ हैं यंगस्टर्स तक पहुँचनी चाहिए। तो मैंने बड़े और बड़ी ज़बरदस्त कास्ट के साथ, अबिद अली साहब थे, फिरदौस जवान साहब थे, हुसैन साहब, लेजेंड्स को लेके बनाया ड्रामा। अच्छा, आपने डायरेक्ट प्रोड्यूस किया? प्रोड्यूस किया, 2005 या 2006 की बात है। और लेकिन वो पसीराई नहीं मिल सकी क्योंकि लोग कुछ और देखना चाहते थे, लेकिन मैं समझता हूँ मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और मैं आज भी बहुत प्राउड हूँ कि मैंने बुजुर्ग कैरेक्टर्स को, मेन कैरेक्टर्स हीरोइन भी थे, एक्टर भी थे, लेकिन फोकस था कि वो लोग क्या दे सकते हैं। वो लोग अगर लेजेंड बने हैं तो वो उनको बेमानी नहीं कर देना चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए। तो ये तो इस तरह से करते हुए, और फिर नेटसोल के साथ भी सफर जारी रहा। आपने कहा कि ख्वाब और उम्मीदें और मंजिलें, और तभी तो एक जर्नी है जी, और तबीर उनकी ढूंढना बड़ा जरूरी है। अच्छा, उसी ताबीर को ढूंढते हुए आप इन्वॉल्व करते, इंगेज करते हैं यूथ को, तो यूथ को मौके मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यूथ को सामने लेके आना, हम जैसे लोग जो जिंदगी में थोड़ा सा तजर्बा रखते हैं, उनको ब्लेंडिंग करके यूथ को मौका देना चाहिए। आज मेरी अगर आप हॉस्पिटल की टीम देखें, नेटसोल की टीम देखें,
माशाल्लाह आपको लगेगा किसी आप कैंपस में आ गए या किसी बाहर की कंपनी में आ गए, माशाल्लाह वो स्टैंडर्ड्स हैं। आज आप लाहौर में किसी भी फैमिली से बात करें, यंगस्टर्स की फैमिली, उनका या अपना बच्चा या अपने रिश्तेदारों का या उनके जानने वालों का कोई ना कोई बच्चा नेटसोल में काम शुरू कर रहा है। तो ये एक हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है और हम सोशल कॉजेस को बहुत ज़हन में रखते हैं। हमारे जो स्टाफ है, वो स्टाफ जो जो लो एंड का स्टाफ है, हमारे लिए तो टीम मेंबर्स हैं हमारे, उनको वही इज्जत दी जाती है। आपको मैं छोटी सी बात बताऊंगा, हमारा कैफेटेरिया है और नेटसोल होस्ट करता है उस खाने को, सबके लिए वही खाना लंच जो मेरे लिए बनेगा, जो सलीम साहब के लिए बनेगा वही, और सबसे पहले खाना हमारे जूनियर स्टाफ को मिलता है। पहले वो खाएंगे, उसके बाद फिर सीनियर्स, हम सीनियर्स आएंगे और फिर वो सर्व भी करते हैं और उनके बच्चों की पढ़ाइयों का जिम्मेदारी यू नो नेटसोल लेता है, उनके बच्चों की जॉब्स की जिम्मेदारी कहीं भी वो हमसे कहीं भी मैनेजमेंट में, मैनेजेरियल वर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, आईटी वर्क है, आईटी के लिए कोई आपको बड़े एचएसएन कॉलेज स्किल है, आपकी पहचान है, वो तो मैं कहता हूँ एक खुला पासपोर्ट है, बजाते खुद एक पासपोर्ट है। तो सबको मौके पूरे मिलते हैं और ये सफर इसी तरह चल रहा है, दुआ करें ये फैलता रहे। जी बिल्कुल, हमारी दुआएं गौरी साहब आपके साथ हैं। अच्छा मिस्टर गौरी, आपने अभी बताया था आपका एक अपना स्टार्टअप है जो कि हॉस्पिटल के नाम से है, ये थोड़ा सा डिफाइन कीजिए कि ये क्या है, आम लोगों के थोड़ा सा उस पहचान सके, देख सके ये है कि उससे क्या, किस तरह से वो मुस्तनीत हो सकते हैं। जी थोड़ा सा इसके ऊपर जी। हॉस्पिटल मैं समझता हूँ पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके डॉक्टर्स पूरी दुनिया में माने जाते हैं। आप अमेरिका में चले जाएँ, आप इंग्लैंड में चले जाएँ, यूरोप में चले जाएँ, उन बड़े बड़े सर्जन हैं वो पाकिस्तान में, बड़े बड़े नाम हैं। तो क्या वजह है कि वही डॉक्टर जो पाकिस्तान में आते हैं एकदम से स्टैंडर्ड के जाते हैं। हम आज भी हमारे बड़े बड़े हुक्मरान जो 30-40 साल से हुक्मरानी करते रहे, वो बाहर क्यों जाते हैं इलाज के लिए? बिकॉज यहाँ पर नहीं, उन्होंने कभी सोचा नहीं है कि अपना इलाज उनका पाकिस्तान में होगा। अगर वो सोचते कि उनको भी इलाज पाकिस्तान में मजबूरन कराना पड़ेगा तो उन्होंने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना दिए होते, अच्छे बना दिए होते। जो दो एक हैं हॉस्पिटल वो पूरी नीड को पूरा नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि डिजिटल लैंडस्केप जो है वो ईज देता है, टेक्नोलॉजी ईज देती है कि डायरेक्ट आप रीच कर सकते हैं। बिजनेस करने का अंदाज जो पहले था वो ट्रेडिशनल और था, आपने इतनी इन्वेस्टमेंट ली, आपने फैक्ट्री बनाई, आपने सर्विसेज का बनाया, आपने लोगों को हायर किया, आपने पब्लिसिटी की, टेलीविजन में की, ब्ला ब्ला ब्ला। आज वो बिल्कुल चेंज है। आज डिजिटल एडवर्टाइजिंग या डिजिटल मार्केटिंग जो है आज इतनी स्ट्रांग है कि टेलीविजन का स्पेंड पीछे रह गया है, सैटेलाइट पीछे चला गया है, चला गया डिजिटल का, क्योंकि वो आपके हाथ में आ जाता है, आपके लैपटॉप में। तो इसको हमने लेवरेज किया और हमने वो लोग जो कोई भी मेडिकल सर्विसेज ढूंढ रहे हैं हम उन तक रीच कर जाते हैं और उनको अपनी सर्विसेज देते हैं। पाकिस्तान में कोई भी एस सच एडवाइजरी, एस सच हेल्प डेस्क नहीं। अभी खुदा ना खासा किसी खानदान में कोई सीरियस इलनेस आए, आप एकदम से बौखला जाते हैं, घबरा जाते हैं, आपके पास सिवाय इसके कि कोई रिश्तेदारों से पूछो, दोस्तों पूछो, यार बताओ यार किससे करना है, और कोई एडवाइस नहीं होती। हाँ, ऐसी एडवाइस नहीं, कोई न्यूट्रल एडवाइस नहीं होती, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर लोग चल रहे होते हैं। दूसरी जगह हम अपने डेटाबेस की को लेते हुए हम आपकी नीड को, आपके नीड एनालिसिस करते हैं। हमारा बॉट है, बॉट कहते हैं रोबोट को, क्वेश्चंस खुद ब खुद ऑटोमेटेड क्वेश्चंस हैं, उसके जवाब आ रहे हैं तो हम उसके हिसाब से एक और क्वेश्चन करके और फिर एक वक्त आता है। हाइब्रिड अप्रोच है, पाकिस्तान में पूरी ऑटोमेशन नहीं हो सकती, तो एक फिर कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव आपसे कॉल लेगा और आपसे बात करेगा, आपकी नीड को समझ के वहाँ कनेक्ट करेगा जो आपके जियोग्राफिकली भी करीब है, जो स्पेशलाइजेशन, जेंडर अगर आपको फीमेल से करवाना है फीमेल को फीमेल ही आपको मिलेगा, अगर आपकी प्राइस कंसर्न है उसको भी देख के। तो हम मैच करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, हम मैच करते हैं और फिर हमारे साथ ह्यूमन टच भी है। तो मैं ये कहता हूँ, कोई पूछता है कि आप हॉस्पिटल करता क्या, तो मैं कहता हूँ वी आर रिलीविंग पेन। हम वो तकलीफ एक आम इंसान की, एक साइकोलॉजिकल, एक फिजिकल, एक मेटाफोरिकल, साइकोलॉजिकल क्या है एकदम शॉक लग गया,
साइकोलॉजिकल जो आपका पेन है उसको रिमूव करते हैं, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं आपके पास, इनिशियल ओपिनियन है, सेकंड ओपिनियन है, बाहर का है, ये कुछ भी हम आपको पूरी पूरी सपोर्ट देंगे। उसके अलावा मेटाफोरिकल कि यार सच अ पेन कि किसको ढूंढूं, कहाँ जाऊँ, कैसे पहुँचूँ, ये जो कैसे होगा, पहले कौन है, कैसे है, और फिर उसके बाद फिजिकल पेन जो कि ट्रीटमेंट के बाद, ट्रीटमेंट के बाद आपकी फिजिकल पेन का। तो ये मैं समझता हूँ कि दुनिया में सिर्फ पाकिस्तानी क्या, हम में से हर कोई वल्नरेबल है, कभी ना कभी हमें डॉक्टर की जरूरत पड़नी है। इवन प्रोक्रिएशन का ले लें, बच्चों ने पैदा होना है तब भी हॉस्पिटल और गायनी की जरूरत पड़नी है, बच्चों ने दुनिया में आना है पीडियाट्रिशियन की जरूरत पड़नी है। तो ये ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा डूब के काम करने की जरूरत है, इसको पेनलेस बनाना है, इस एक्सपीरियंस को इसको इकोनोमाइज करना है, इस हमारे कंज्यूमर जो हमारा कस्टमर है जो पेशेंट है उसको एम्पावर करना है। वो ऐप के थ्रू भी हो सकता है, वो सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है, वो वेबसाइट के थ्रू भी हो सकता है, या सिंपली अ कॉल। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ऐप यूज करें, मोस्टली लोगों को आती भी नहीं ऐप यूज करना, पाकिस्तान जैसे स्पेशली हमारे रूरल एरिया में तो बिल्कुल पता भी नहीं होगा कांसेप्ट इसका। अच्छा, उसके लिए भी मेरा एक विजन है कि ऐसी ऐप हो जो हर कोई यूज कर सके, यूज कर सके, उसमें आपको अंग्रेजी बोलनी, उर्दू बोलनी, कुछ भी नहीं, बटन दबाने की जरूरत है, आप सिर्फ ये आपसे पूछा जाएगा कौन सी जुबान सुनना चाहेंगे, इंग्लिश है तो वुड यू लाइक टू टॉक इन इंग्लिश, तो इंग्लिश का रेड दबा दे, एक कलर दबा दे, आप उर्दू में बात करना चाहेंगे, अच्छा जुबान वही बोली जा रही है, इंग्लिश में नहीं पूछा जा रहा है कि आप उर्दू करें, उर्दू करने के लिए आप ग्रीन दबा दीजिए, सिंधी के लिए आप ये दबा दें। अब जो बॉट होगा वो आपसे सवाल करेगा और आपने सिर्फ बटन दबाने, अब बताइए इससे ज्यादा कन्वीनियंस क्या हो सकती है, जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं भी हैं लेकिन स्मार्टफोन्स हैं उनके पास, तो वो तो वो बिल्कुल सब ये तो बहुत नेकी का काम भी देखा जाए, नोबल कॉज है जो आप काम कर रहे हैं। और असल में जितनी पॉलिसीज बनती है हमारे यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट्स वो ज्यादा रूरल एरिया के लिए नहीं होते, अर्बन एरियाज के लिए होते हैं, जबकि इसकी जरूरत ज्यादा उधर है। तो आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी है कि भी रोबोट के थ्रू ये सारा कुछ होगा, बड़ा अच्छा होगा। और इसकी बात को हम कंटिन्यू करते हैं नाज़रीन, अभी हमारे साथ ओरी साहब है, हम मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, मिस्टर गोरी मुझे बताइए थोड़ा सा मजीद इसको आगे से बढ़ाते हुए बात को नेट सोल के ऊपर, कि नेट सोल के जितनी ये फाउंडेशन है पूरी जी, इसकी वैसे तो सारी हिस्ट्री सब लोग जानते हैं लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि कितने लोगों से वाबस्ता है और आप लोग क्या कर रहे हैं अभी और फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, थोड़ा सा प्लीज़ जी। नेट सोल में इस वक्त आप जहाँ बैठे हैं लाहौर है, लाहौर हेड ऑफिस में तकरीबन 1500 लोग काम करते हैं और इसके अलावा ग्लोबली अनदर 250 से 300 लोग वाबस्ता हैं, जिनमें फार ईस्ट में काफ़ी हैं, चाइना में, चाइना हमारी बहुत बड़ी मार्केट है, हमारी प्रेजेंस इंग्लैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, सिडनी में, और इसके अलावा हम लोग नॉर्थ अमेरिका में भी, यूएसए में भी। नेट सोल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी भी है, नैस्डैक लिस्टेड, और नेट सोल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी है। तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी होने की वजह से आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपका बिजनेस जो है ट्रांसपेरेंट है। नेट सोल की कामयाबी का राज बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो आप अपने व्यूअर्स को दिखाना चाह रहे हैं और कोई एस्पायर करना चाह रहा है कि वो भी नेट सोल जैसा या नेट सोल से कहीं बड़ा बनना चाह रहा है, और बिल्कुल बन सकते हैं, कोई इसमें मैजिक कोई राज नहीं है, राज अगर है तो क्वालिटी है, राज अगर है तो स्टैंडर्ड्स है, राज अगर है तो आपकी डिलीवरी है, एग्जीक्यूशन है, डिलीवर आप वक्त पे करें और जैसा प्रॉमिस किया उसे बेहतर करें। तो अगर आप स्टैंडर्ड्स अपने हाई कर लेंगे, वर्ल्ड क्लास बना लेंगे और आपकी एफिशिएंसी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को आप उस अपने कंट्रोल में रखेंगे और कस्टमर को एडवांटेज दे रहे हैं, कस्टमर मस्ट बी योर फर्स्ट कंसर्न, कि कस्टमर अगर गेन करेगा तो वो बिजनेस आपको रिपीट देगा और लोगों के लिए भी एक अच्छा एक पैगाम देगा,
तो नेटसोर की कामयाबी का राज हाई स्टैंडर्ड्स। और सब ये बताइएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नो डाउट कि अगर टेक्नोलॉजी को फोकस करे, तो मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी पुलिस के ऊपर कि पाकिस्तान के जितने लोन डेफिसिट है वो ख़त्म हो सकती है एक सिंपल किसी ऐप से भी। तो आप समझते हैं कि उनको कोई सुपरविजन करनी चाहिए आप लोगों के साथ मिलकर, कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए टेक्नोलॉजी को मज़ीद पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में मूव करने के लिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं भी इस पर बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान में अगर दो तीन यूनिकॉर्न्स आ जाएं, जो कि 10-10 बिलियन डॉलर की कंपनीज आ जाएं, तो उससे इतनी ट्रैक्शन हो सकती है, इतनी इन्वेस्टमेंट और हो सकती है कि पाकिस्तान का बजट डेफिसिट वाकई कम हो सकता है। टूरिज्म को लेने जो बड़ा इजी है, और जो आपकी एग्रेरियन आपकी कंट्री है, आप इनको इनमें टेक्नोलॉजी ला के इनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं सर, होटल मैनेजमेंट है, होटल इंडस्ट्री है, लाइफ स्टॉक है, आप इतनी बड़ी मीट की मार्केट है, क्वालिटी ऑफ मीट अगर उनको लाइफ स्टॉक को अच्छा रेस करते हैं, अगेन टेक्नोलॉजी यूज करके, तो आप उसको प्रोसेस मीट को सही करते हैं, पूरी दुनिया में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कोई एक मैजिक बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें ऐसे मौके देने चाहिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को। इंग्लैंड में बहुत बड़ी पार्टियाँ बैठी हैं हलाल मीट की, पूरी दुनिया में हलाल मीट आपका एक्सपोर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो बड़ी मार्केट है पाकिस्तान, बहुत बड़ी मार्केट है, आपके पास लैंड है और वो जो लाइफ स्टॉक है वो आपको सस्ता मिल सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट देखती है। सलीम वारी साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर की इनोवेशन टास्क फोर्स उन्होंने बनाई है, उसके चार अपनी टीम है, उसके मेंबर हैं, तो हम अपना इनपुट देते हैं। लोग पूछते हैं आप लोग गवर्नमेंट में क्यों नहीं आते, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते? पॉलिटिक्स में आना एक अलग बात है, गवर्नमेंट के लिए काम करना, अदारों के लिए साथ मिलकर, वो एक चीज़ अलग है। सर, ये इतनी बुरी रेपुटेशन है प्राइवेट अदारों की, और वो जो साहब बहादुर हैं जो कि बिजनेस देते हैं, कि जिस दिन गवर्नमेंट चेंज हुई नैब आपके पीछे, तो एक प्राइवेट सेक्टर की एक वो कंपनी जो बड़ी ट्रांसपेरेंट है उन चक्रों में पड़ना नहीं चाहती। हम आपको मशवरे ज़रूर देना चाहते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, इंस्पायर जो है इंक्यूबेटर जिसको मैं हेड करता हूँ, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं उसको हेड कर रहा हूँ तो अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, हम यंगस्टर्स के अच्छे अच्छे आइडिया, मैं आपको बताता हूँ, हर छः महीने में, साल में दो हमारी साइकिल्स होती हैं, और छः महीने बाद हम अनाउंस करते हैं कि अब हमारी एप्लीकेशन खुल गई। 150 एप्लीकेशन आई, उनमें से हमने 10 चूज़ की, लेकिन ग्रेजुएट हमने सिर्फ 6 को किया। सारे 6 के 6 बड़े अच्छे स्टार्टअप्स हैं, इनकी पजीराई होनी चाहिए। गवर्नमेंट कैसे कर सकती है सपोर्ट? ऐसे कर सकती है कि उनकी प्रोडक्ट को ओन करें, उनकी सर्विसेज को ओन करें, ताकि लोगों में उन बच्चों में कॉन्फिडेंस है, उनको कुछ पैसे मिले। गवर्नमेंट तो काम करा रहा है, आप उन बच्चों से क्यों नहीं कराते? हम PITB पंजाब IT बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड PIBIT वाले, वो मुझे बुलाते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि देखिए, सबसे बड़ा जो आप काम कर सकते हैं, इन बच्चों ने जो परफॉर्म किया है, जो एप्स बनाई हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, पहले आप ले उनकी सर्विसेज और उनको पे करें। ये पैसा दोबारा रोटेट जब जाएगा तो वो अपनी प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करें, मोटिवेशन भी होगी, मोटिवेशन होगी, इम्प्रूव करेंगे, टेस्टिमोनियल्स आएंगे कि जी इनकी प्रोडक्ट काम करती है। जो किसी भी बिजनेस के लिए चैलेंज होता है, शुरू के कस्टमर्स होता है, दो चार रिश्तेदार को छोड़ के आपको बाहर के लोग नहीं मिलते, तो वो बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को उनको पैट्रनाइज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उनको क्लाइंट्स ला के दें, उनमें कॉन्फिडेंस है, उनको फंडिंग मिले वो, ताकि और री इन्वेस्ट करें। तो ये इंस्पायर जो है इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या कर रहे हैं इंस्पायर? अभी हमारे 6 स्टार्टअप इंस्पायर इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर एक ऐसी आप कह रहे हैं इंस्टीट्यूशन विद इन नेटसोल है, जहाँ पे बच्चों को एक स्पेस मिलती है, बच्चों को एक प्रोग्राम दिया जाता है, यूथ जो है उस पर प्रोग्राम दिया जाता है कि आप अपना बिजनेस प्लान कैसे बनाएंगे, स्टार्टअप का बिजनेस प्लान कैसे आएगा, मार्केटिंग प्लान कैसे। अगर फंडिंग भी करते हैं आप लोग? फंडिंग हम नहीं करते, लेकिन हम उन्हें चार्ज भी करते। अच्छा, ठीक है।
तो फंडिंग हम एनजीओ कह सकते हैं आप। देखिए अगर फंडिंग करेंगे ना तो फिर बच्चों की मोटिवेशन नहीं होगी, इनको एक टफ प्रोसेस से गुजारना जरूरी है, उनको पूरे मौके मिलते हैं, उनको एक्सपोजर मिलता है कि बिजनेस कर सकें, उनको एक्सपोजर मिलता है कि जो इन्वेस्टर्स को अपने आइडियाज पिच कर सकें, तो हर मौके हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन चूंकि हमारा अपना बिजनेस एंगल नहीं है तो हम वो उनको फंडिंग नहीं कर सकते। वो एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, एक बिजनेस मैन खुद लेके कहेंगे जी मैं काम ही यही है कि बच्चों पर इन्वेस्ट करूँ और इनकी कंपनी का एक्विटी एक हिस्सा ले लूँ, तो उसके बाद वो चलेगा, वो एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। तो हमारा यही है कि हम अपनी जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी लर्निंग है, इन बच्चों को हम दें और वो प्रोसेसेस वो समझ लें कि एक बूट कैंप है, यानी कि यूनिवर्सिटी के बाद एक पोस्ट ग्रेजुएशन आपको एक एनवायरनमेंट मिल रही है जिसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप में आप एक अच्छा काम इंस्पायरिंग काम। मिस्टर गौरी अभी फ्यूचर के प्लान्स क्या है आप लोगों के? जी जहाँ तक नेटसोल का सवाल है, नेटसोल के बड़े अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, नेटसोल ऐप्स भी बना रहा है विद इन मोबिलिटी कहते हैं ये हमारे कार राइड शेयरिंग में जी हम उस बिजनेस में जा रहे हैं, फिर 3D ग्राफिक्स पे हम बिल्डिंग्स के ताकि किसी भी बिल्डिंग के एक ग्राफिक्स हम बना सकते हैं, हमारी कंपनी है वर्ल्ड के नाम से उस पर इन्वेस्ट किया है, और उसका फ़ायदा ये है कि आप एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, चाहे उसकी फर्निशिंग है, चाहे उसकी एयर कंडीशनिंग है, या उसके सिक्योरिटी सिस्टम या इकोनॉमी है, तो वो उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। फिर नेटसोल हमारी जैसी जैसे हॉस्पिटल है, जैसे इंस्पायर है, इसमें यंग कंपनीज को फ़रोग दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है कि वो आगे बढ़े। और सर आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सोशल भी हैं, तो इतना टाइम मिल जाता है इतनी मसरूफियत में और ये सब कुछ, और माशाल्लाह ये किस तरह से आप मैनेज कर लेते हैं सब कुछ? आप सोशल एक बहुत ही वाइड सा आपने कह दिया है, सोशलाइजेशन में ये कहूँगा कि इंसान ह्यूमन बीइंग इज अ क्या कहते हैं सोशल एनिमल, यानी वो अपने जैसे लोगों से कनेक्ट करना चाहता है, कुछ उनसे सीखना चाहता है, कुछ अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है। तो मैं भी मेरी कोशिश होती है कि मेरे से जो भी मिले दे मस्ट बी बेटर ऑफ देन बिफोर दे हैव मेट मी, तो उसको आप सोशलाइजिंग कह लें, फिर कुछ थोड़ी सी क्रिएटिव एक प्यास एक हंगर रहती है तो उसकी तरफ भी ना बुझने वाली है। हाँ ना बुझने वाली है, तो कुछ फनून लतीफ़ा है उनको सुनने में उनमें सुनाने में दिलचस्पी रहती है। सर इसमें कोई शक नहीं कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है और आप बहुत अच्छे में पोइट भी हैं, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, तो कोई आज मैं बल्कि इस प्रोग्राम की एंडिंग जो होगी वो आपके शेर के ऊपर होगी किसी अच्छे से, और लेकिन उससे पहले सर कोई वैसे तो आपने सारी बातें जितने आपके इंटरव्यू रहे सारा इंस्पिरेशन है और लोगों के लिए मैसेज है, कोई स्पेशल मैसेज फॉर यूथ के लिए क्योंकि वो ज़रूरत है? यूथ के लिए मैं ये कहूँगा कि ड्रीम करना ना छोड़े, ये रास्ता मुश्किल दुश्वार ज़रूर है लेकिन इसमें जो कामयाबी है अगर हाँ वो देर पा है, और सिर्फ आपकी नहीं आपके इर्द गिर्द लोगों की कामी उनकी भी कामयाबी है, आपके दोस्तों की भी है, और लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट भी देंगे और हिम्मत ना हारे उनको हिम्मत ना हारे और लगे रहे गिवअप ना करें। तो सर जैसे मैंने कहा था किसी अच्छी से शायरी के ऊपर आप इस मुझे एक दोस्ती के नाम पे मुझे शायरी बड़ी पसंद है और वो मुझे नहीं पता किसने लिखी है, मुझे पसंद है। मैं यादों का किस्सा बोलूँ तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, ना जाने कौन सी नगरी में आबाद है जाकर मुद्दत से, मैं देर रात तलक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, कुछ बातें थी फूलों जैसी कुछ लहजे खुशबू जैसे, कुछ बातें थी फूलों जैसी कुछ लहजे खुशबू जैसे, मैं अहले चमन में बशहरे चमन में टहलूँ तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, वो पल भर की नाराज़गियाँ और मान भी जाना पल भर में, वो पल भर की नाराज़गियाँ और मान भी जाना पल भर में, अब खुद से भी मैं रूठूँ तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। नौ रोड जी वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आया,
गौरी साहब आपसे बात करके और ये जितनी गुफ्तगू रही है ना एक नशिस्त में कवर नहीं की जा सकती। इंशाल्लाह इसका एक और सेशन करेंगे जिसमें बड़ा अच्छा लगा लाइफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपने इतने एफर्ट किए शाहिद साहब, आप काफ़ी देर से मुझे कहते रहे हैं और मेरी माजरत के मैं वो टाइम नहीं दे पाया अर्लियर, लेकिन आज मिलके आई होप आपके कुछ मैंने वो शिकायतें दूर कर दी होंगी, मुझे सेटिस्फेक्शन मिली है और बड़ा मजा आपसे बात। थैंक यू जी, सेम प्लेयर जी, इंशाल्लाह फिर रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, और एशियन टेरिटरी की तरफ से मैं आपका दोबारा से शुक्रिया था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ।